हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट एक्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि सारे लोग एकदम बेहतरीन होंगे। और देखो, आज का जो वीडियो है ना, वो लिंक्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने CHS के बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दिया था, और आज हम उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से चीज़ें आपकी काम करती हैं CHS को लेकर के, उसके रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, और इसके साथ में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितनी सीट्स होती हैं, कब फॉर्म आएगा, तो मतलब डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन है और वो विद एनालिसिस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने प्रीवियस इसका जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर देखिए उसको, उस वीडियो को भी देखिएगा, उसमें भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है और आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो रिकॉर्डिंग किसके है, CHS के रिकॉर्डिंग है, कि उसमें जो हमने आपको बताया था ना कि CHS जो होता है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर इंस्टीट्यूट कहिए, स्कूल कहिए, कॉलेज कहिए, बोर्डिंग स्कूल कहिए, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्टली क्वालिटी एजुकेशन, नंबर वन क्वालिटी एजुकेशन है। दूसरा, इसके बाद आपको फैसिलिटी, आप चाहे वो लाइब्रेरी का हो, लेबोरेटरी का हो, हॉस्टल का हो, रेजिडेंस का हो, कैरियर अपॉर्चुनिटी को हो, कैरियर काउंसलिंग हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके इसको बेस्ट बनाती हैं, है ना? देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ से बेस्ट नहीं हो सकता है। बेस्ट तभी होगा जब वो ओवरऑल बेस्ट हो। ओवरऑल मतलब हर फंक्शनल, उसका जो फंक्शनल बॉडी है वो अगर बेस्ट परफॉर्म कर रही है तभी वो बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है। क्लियर है बात? तो देखिए, ये जो आपका CHS का जो है, हमने आपको बेसिक बताया था कि ये बनारस में लक्षा एक जगह है, वहाँ पर ये है स्थित, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से रिलेट करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से गवर्न होता है। अब आपको हमने उस वीडियो में भी बताया था, आज फिर भी बता रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ किसी हाईली एजुकेटेड या हाईली जो आपका एक इंस्टीट्यूट है अगर उससे गवर्न हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतर वहाँ पर काम होता होगा। क्योंकि देखिए, BHU का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो अगर उसका जो ये लोअर सेक्शन है, जो ये लोअर ब्रांच है, उसको भी वो अपने हिसाब से बहुत बेहतर करके रखा हुआ है, ठीक? तो क्यों आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, आप कहेंगे कि सर आप हमें CHS के बारे में बता रहे हैं, हम क्यों जाएं वहाँ? तो बेटा, पहली चीज़ ये है कि जिस फी में ये क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहा है, UP में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको इस फी में वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकता हो। दूसरा, इन्वायरमेंट इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट है आपके आगे की लाइफ के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करने का आपने सोचा हो, IIT करने का सोचा हो, या फिर आप जिस भी मोटिवेशन के साथ में वहाँ पे जाएंगे, आपको हर स्ट्रीम का बच्चा वहाँ पे बेहतरीन मिलेगा। क्योंकि जो बेहतरीन होता है वही CHS में पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम लेता है। जब एग्ज़ाम होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रॉपर अगर सिस्टम बना हुआ है और एग्ज़ाम लेगा तो क्या होगा, एग्ज़ाम लेगा तो अच्छे स्टूडेंट ही वहाँ पहुँच पाएंगे, ठीक है? तो ये बातें हुई, और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि 3 स्टेज हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। पहला है आफ्टर 5th-6th standard में आप एडमिशन ले सकते हो, दूसरा है 9th standard में आप एडमिशन ले सकते हो, और तीसरा है 11th standard में आप ले सकते हो। अगर आप 5th के स्टूडेंट हैं या जो भी गार्जियन अपने बच्चों को ये कराना चाहते हो, वो 5th standard के बाद में 6th standard में जैसे ही आपका बच्चा जाएगा, 5th के बाद में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आप दिलाइए और आप पूरे 12th तक के लिए एकदम आप टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक? टेंशन फ्री हो जाइए। और एक और बात भी है कि वहीं से डायरेक्ट लिंक आपको BHU में मिल जा रहा है। आप समझिए कि किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का लोअर सेक्शन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बच्चों के लिए, या किसी भी 9th और 6th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो अगर आप 6th में एडमिशन लेते हैं तो 12th तक जाएंगे,
नाइन्थ में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th तक जाएंगे, और 11th में स्टैंडर्ड ले रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हैं तो भी आप 12th तक ही जाएंगे। दूसरी चीज, जिनके माइंड में ये डाउट होगा कि सर कोएड है या नहीं है, तो ये सेपरेट चलता है, बॉयज सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, दो अलग अलग विंग्स हैं जिनमें आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बच्चा आपका बॉय सेक्शन में, यानी लड़का है तो आप बॉयज सेक्शन में करा सकते हैं और लड़की है तो आप गर्ल सेक्शन में करा सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फुल्ली रेजिडेंशियल है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, हॉस्टल में प्रॉपर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, कहीं से भी आपको किसी भी टाइप का इशू नहीं वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, कहाँ से एफिलिएटेड है? एफिलिएटेड है CBSE से, यानी स्टेट बोर्ड से इसका कोई नाता नहीं है। ये केवल और केवल कहाँ से गवर्न होता है, कहाँ की डिग्री देता है, तो ये आपका CBSE की डिग्री देता है। आप देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है और ये आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, और 1904 में कामाख्या में ये क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, ठीक है। अब देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ भी है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटली किस पे, कहाँ पे इसका वो रहता है, मतलब चीज़ें कहाँ से गवर्न होती हैं, तो ऊपर से, यानी BHU से, BHU के एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्न होती हैं, क्लियर है बात। अब आइए, ये सारी हुई बेसिक बातें, अब कैसे हम इसमें, अब ये एक टॉपिक है क्या, वाई CHS इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया, क्यों CHS आपका इंडिया में बेस्ट है। पहले तो ये समझिए ना, आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, कोई भी चीज अपने लिए लेने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप रिव्यू चेक करते हैं या आप क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें ये क्यों करना चाहिए, तो हम उसका आंसर देते हैं। पहली चीज, इट इज सेंट्रल लेवल स्कूल, क्या है, सेंट्रल लेवल का स्कूल है, केंद्रीय मतलब केंद्रीय माध्यम यानी CBSE का है, तो ये ऑल ओवर इंडिया आपका जो पैटर्न चलता है उसी पैटर्न को ये फॉलो करता है। CHS प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन एट मोस्ट अफोर्डेबल फीस, बार बार हम चीजों को बता रहे हैं कि जो फी होगी वो मोस्ट अफोर्डेबल फी होगी, कि आप आसानी से उसको पे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है कि और भी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन अच्छे नहीं है या फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी उतनी हो कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन ले सकें। लेकिन ये जो आपका CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, ये अफोर्डेबल फी में आपको बेहतरीन चीज़ें दे रहा है, तो यानी चीप एंड द बेस्ट, ये आप कह सकते हैं कि सस्ता भी है, आप आसानी से इसकी फी भी पे कर सकते हो, और आपको बेस्ट क्वालिटी भी दे रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट भी दे रहा है, किसके रिलेट में, एजुकेशन के रिलेशन में, ठीक है। CHS हैज वेल क्वालिफाइड टीचर्स, बिल्कुल सही बात है, अगर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या है कि टीचर्स को भी एक नॉलेजेबल पर्सन वहां टीचर होगा, क्वालिटी एजुकेशन जो वो आपको प्रोवाइड करा रहा होगा वो टीचर के माध्यम से ही तो करा रहा होगा, तो अगर टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता है। जो भी टीचर CHS के लिए अप्लाई करते हैं उनको कई लेवल के एग्जाम क्रैक करके तब उनको जाकर के वहां पे जॉब मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो इतने लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करके जाएगा वो आपको बेहतरीन एजुकेशन देगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द मैनी अदर फैसिलिटीज लाइक NCC, इन कैंपस हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब देखिए, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, NCC हो गया, या आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनका सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आप समझिए कि मतलब अगर आप 6th स्टैंडर्ड से वहाँ पहुँच गए तो 12th स्टैंडर्ड तक की पूरी लाइफ का आपका एक एक चीज़ उनके हाथ में होता है और वो आपके हर प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। अब आप समझिए कि इतना बेहतरीन जो है एजुकेशन और इतना बेहतरीन कैंपस और कहीं आपको मिल भी नहीं सकता, ये भी आप समझ लीजिए। CHS ऑल्सो फोकस ऑन द सोशल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। CHS प्रोवाइड्स द हॉस्टल फैसिलिटीज। हॉस्टल फैसिलिटीज मैंने बताया ये कि फुल्ली रेजिडेंशियल है, आपको रहना पड़ेगा,
दूसरा चीज क्या है, ऑल्सो फोकस ऑन सोशल एक्टिविटी, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज कराता रहता है। मतलब जो आप कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत आपके बच्चों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहां जाने मतलब आप जो आपके अंदर की जो होता नहीं कि आप किसमें बेहतरीन कर सकते हो, ये कैसे पता चलेगा? आपका बच्चा अच्छा क्राफ्ट बना लेता है या अच्छा पेंटर है ये आपको नहीं पता, पर ये क्या करेंगे, उन्हीं एक्टिविटीज के माध्यम से आपके बच्चे के जो क्वालिटी है, मतलब एक तरीके से जिसको वो प्रोफेशन में नहीं ला सकता है बस अपने शौक के लिए करता है, उसको ये क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि आप बेटा इसमें भी बेहतर कर सकते हो तो आप करो। तो मतलब एक प्रॉपर आपके बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि केवल आपका बच्चा पढ़ने में ही बहुत अच्छा है, अगर वो गया तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो लोगों से इंटरेक्ट बेहतर कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पता चला कि एकदम इंट्रोवर्ड है, बस उसको किताबों से ही मतलब है। तो ये किताबों से मतलब नहीं, किताब के बाहर की जो सोशल लाइफ है उसको भी अच्छा करते हैं, है ना। अब वो करेंगे कैसे, ऐसा तो है नहीं कि बाहर लेकर के बच्चों को चले जाएंगे, तो क्या करेंगे, सोशल एक्टिविटी कैंपस में कराते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब और आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं। ये देखिए जरा लाइफ इनका देखिए कि सीएचएस में कौन कौन से इवेंट आपके होते हैं। देखिए ये आपका एग्जामिनेशन हॉल का है, स्पोर्ट का है, सोशल एक्टिविटी का है। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से हर चीजें एक प्लान्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग कंडक्ट कराते हैं, है ना। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि हर बच्चे को एग्जाम देना चाहिए, और अगर आपका सीएचएस में हो जाता है तो बेटा यकीन मानिए कि लाइफ में आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। वो चाहे आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हो, चाहे नीट करने के लिए जा रहे हो, चाहे डिफेंस में जाना चाहते हो, चाहे लाइफ के किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर एक बार आप यहां पे पहुंच गए तो आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रोथ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके एजुकेशन सिस्टम का जो बेहतरीन पार्ट है, जो क्रीम चीजें हैं, वो ये निकाल करके आपको प्रोवाइड कराता है। क्लियर है कोई बात। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आप जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब आप देखिए, एक एक एक्टिविटी ये कराते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई भी, चाहे वो आपका सोशल फंक्शन हो, चाहे वो आपका नेशनल फंक्शन हो, ये मतलब फेस्टिव सेलिब्रेट करना और ऐसे इंस्टेंट कोई भी प्रोग्राम करना, ये सब इनके कल्चर में है। इससे क्या होता है, अब आप कहेंगे कि सर यही दिन भर कराते हैं? नहीं बेटा, दिन भर ये नहीं कराते हैं, ये आपके पार्ट है। भाई आप होली दीपावली क्यों मनाते हो? ताकि आप, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, है ना। पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस हो रहा है तो चलो भाई आउटडोर इनडोर गेम करवा दिया। आउटडोर इंडोर गेम नहीं होगा तो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होता है। केवल पढ़ना ही एक उद्देश्य नहीं होता है। आपको स्पोर्ट अगर अच्छा आ रहा है तो अगर आप स्पोर्ट में अच्छा कर रहे हैं दैट मीन्स आप यूनिटी में काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को ग्रो करा रहा है वही समझ सकता है, ये है ना। तो इसीलिए सीएचएस क्या होता है बेटा, सीएचएस बेस्ट होता है। How can you get into BHU? अब कैसे आप जा सकते हो भाई? देखो BHU CHS Admission 2022 Highlights। अब देखो क्या है, Name of the exam BHU CHS SET करके इसका एग्जाम होता है, ठीक। फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, कई बार बता चुके हैं। कंडक्टिंग अथॉरिटी BHU है, एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा BHU कराएगा। अब आप समझ सकते हो कि BHU अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उस एग्जाम का लेबल क्या होगा, और जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करके बच्चा जाएगा उसका लेबल क्या होगा, दोनों आप सोच सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चला गया मुंह उठा करके और उसका एडमिशन हो गया। जब तक आप अपने आप में बेहतरीन नहीं हैं, ठीक है, तब तक आप CHS नहीं पहुंच सकते हैं। एकदम क्लियर कट बात है। मैं कोई फर्जी बात नहीं बताऊंगा कि नहीं अब फॉर्म भर दो बेटा ऐसे ही पढ़ के चले जाओ हो जाएगा, नहीं। आप जब तक प्लांड वे में चीजों को नहीं मैनेज करेंगे, आप जब तक प्लांड वे में स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका CHS में एडमिशन भी नहीं होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको CHS करना है, आपको
सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाना है, उसके बाद में बीएचयू में जाना है, तो या यकीन मानिए आप मेहनत करिए और मेहनत करके आप पहुंच सकते हैं। हमारी जो भी हेल्प होगी, हमारे इंस्टीट्यूट की जो भी हेल्प होगी, हम देने को हमेशा तैयार हैं, क्योंकि जब तक आपके पास में बेहतरीन कंटेंट नहीं होगा तब तक आपके पास में क्या नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी सीट है, कितने बच्चों से फाइट है। ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे या प्लान करेंगे तब तो आप एग्ज़ाम बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो बीएचयू इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एफिलिएशन सीबीएसई बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है स्कूल एडमिशन के लिए। लेवल ऑफ एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी बच्चा आपका एडमिशन ले सकता है और कहीं का भी फॉर्म भर सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम वंस इन अ ईयर, सेशन में एक बार होता है। और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in है। अब आप समझिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, और आपको किस वेबसाइट पे जाना है, bhuonline.in पे जाना है। क्या सेलेक्ट करना है, bhuchs sct 2022, क्लियर है बात। सेशन 2022-23 का सेशन आएगा, अपकमिंग सेशन है। कब फॉर्म आएगा बताने चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दो, है ना। जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट अगर कोई दे रहा है तो वो हमारा इंस्टीट्यूट दे रहा है। आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, कौन आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, ये सारी बातें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम आपको सीएचएस क्यों बता रहे हैं। हमारा काम पढ़ाना है, पर हम सीएचएस आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे मोटिवेशन से एक बच्चा भी अगर सीएचएस पहुंच गया तो हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि आप जब वहां जाओगे ना तो आप लौट करके आओगे तो एक बार हमें जरूर कहोगे कि सर आपने हमें बताया था, मुझे नहीं पता था, और हमने प्रयास किया और वहां पे हम पहुंच गए और हमारी लाइफ बहुत बेहतर है। बेटा यकीन मानिए कि 5 साल अगर आपने या 2-3 साल अगर आपने सीएचएस में बिता लिए तो उसके बाद की लाइफ आपकी कितनी आसान हो जाएगी, या आपको अभी नहीं उसके बाद पता चलेगा, 12th के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहां से निकले हो और आपके लिए अब आगे की चीजें कितनी आसान हो गई हैं। तो सबको प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप बेहतरीन तैयारी करिए। कैसे करनी है इसका डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। आइए जरा देखते हैं कितनी सीट्स हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि 3 लेवल पे हम लोग एग्जाम एंट्रेंस ले सकते हैं। कैसे, पहला है आपका 6th स्टैंडर्ड, दूसरा है 9th स्टैंडर्ड, और तीसरा है 11th स्टैंडर्ड। चलो देखिए, क्लास जब आप 6 में जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट इन सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल 107, नंबर ऑफ सीट इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल 17। मतलब बच्चों के जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है उसमें 107 सीट्स हैं 6th स्टैंडर्ड में, और जो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है उसमें 70 सीट्स हैं। जब आप 9th में जाते हो तो 104 सीट आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में है, और 10 सीट्स आपकी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में है। क्लियर है बात। चलो भाई, इसके बाद में जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हो और अगर आपने मैथमेटिक्स स्ट्रीम ले रखा है तो 88 सीट आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में है, और 16 सीट आपकी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में है। जब आप 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में जाते हैं तो 25 और 17, मतलब 25 बायो की सीट बॉयज स्कूल में है और 17 गर्ल्स के स्कूल में है। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कि मैथ में इतने ज़्यादा और बायो में इतने कम क्यों होते हैं। बेटा क्योंकि फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको, उनके पास में जितनी फैसिलिटी है, जैसे लैब की बहुत समस्या हो जाती बायो में, तो बायो के लैब में, ये बायो में उतने ही बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं जितने को वो प्रॉपर प्रैक्टिकल करा सकते हैं, लेबोरेटरी में टाइम दे सकते हैं। अगर इंफ्रा नहीं है और आपने केवल और केवल एडमिशन ले लिया तो आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे दोगे।
तो अब आप यही से समझ लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया कितनी सीट है और किस लेवल का कंपटीशन है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं तो 13 सीट्स आपकी बॉयज स्कूल में है और 25 सीट आपकी गर्ल्स स्कूल में है। आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं तो 12 सीट आपकी बॉयज स्कूल में है और 40 सीट्स आपकी गर्ल्स स्कूल में है। क्लियर है बात। तो ये जो सीट्स हैं, ये सीट अपने आप में आपको बता रहे हैं, आप एक बार मैं जूम कर देता हूं, आप देखिए ये सीट जो है अपने आप में आपको बता रहे हैं कि ये किस लेवल का एग्जाम कराते होंगे और कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो इसलिए अगर आप सीएचएस के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज से ही जुट जाइए, ठीक है। चलिए अब आगे और भी देखते हैं, और क्या है प्रोसीजर, क्या है टू फिल बीएचयू सीएचएस। अब देखिए 22 आपका अपकमिंग है, इस सेशन में यानी सेशन 22-23 में आपको कैसे प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं इसको समझते हैं। तो हाउ कैन यू गेट एडमिशन इन टू बीएचयू, कैसे, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बीएचयू एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन लिंक रिलेटेड टू द सीएचएस एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पर आपको देखना है एक लिंक होगा सीएचएस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, प्रॉपर देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है आपका, 10th का है, मार्कशीट है 11th में अगर आपने एडमिशन लिया, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं ये देखिए, देन उसके बाद आप वहां पे अप्लाई करिए। नाउ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एज मेंशन्स इन द नोटिफिकेशन, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, स्कैन डॉक्यूमेंट सब आप अपलोड करेंगे, फी पेमेंट करेंगे क्योंकि एक एग्जामिनेशन फी ली जाती है जिसको आप एंट्रेंस फी के नाम से भी जानते हैं, फी पेमेंट करिए और आप अपना फाइनल जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए। कहाँ से चेक करना है, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना है। किसके बारे में चेक करना है, सीएचएस एडमिशन नोटिफिकेशन को चेक करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि कब आता है इसका नोटिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कब आप फॉर्म भर सकते हो, तो सीधा सा है, अगर आप 6th में एडमिशन चाहते हो तो स्टूडेंट हु हैव पास्ड देयर 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल विल बी एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। अब अगर आप पास हैं या अपीयरिंग हैं, बोथ आर एलिजिबल, बट जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको अपने प्रीवियस ईयर की मार्कशीट को दिखाना होगा। इसका मतलब ऐसे बच्चे जो 5th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिए हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आया है, दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस फॉर्म, बट जब उनको एडमिशन, उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे उनको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है बात। सेम वे में 9th में अगर आपको जाना है तो आप 8th के एग्जाम को क्वालिफाई या अपीयर किए हो, 10th में 11th में जाना हो तो आपको क्या करना है, आपको 10th का एग्जाम एटलीस्ट 50%, ये याद रखिएगा, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका मैथमेटिक्स और साइंस में होना चाहिए, या जिस भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स और साइंस में आपका 50% क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर सीएचएस, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ओमार बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। अब ओमार बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है या ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अभी तक ओमार बेस्ड होता रहा है, आगे अगर ऑनलाइन भी कर देता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तो आप लोग इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि वो ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकता है और वो ओमार बेस्ड एग्जाम भी ले सकता है। ओमार बेस्ड क्या होता है, जिसमें आपको गोला करना होता है, ऑनलाइन क्या होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना होता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक है भाई। चलो अब जो पिछली बार की फी है वो उसने कहा कि भाई देखो जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको 600 के लिए था, और जनरल और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए ये 300 एप्लीकेशन फीस थी। इस बार क्या होगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, पर पिछले साल क्या था ये मैं आपको बता दिया।
तो मुझे लगता है इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलो भाई अब देखो लास्ट में शेड्यूल क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट कब रिलीज होता है, सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022, सेकेंड वीक या मतलब मार्च में आपका हो जाता है, थोड़ा बहुत डिले चलता है क्योंकि कोरोना की वजह से आपका सेशन लेट चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा डिले सकता है। तो होपफुली इस बार हम ये होप कर रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दावा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। अब वो डिपेंड करेगा 15 दिन का या एक महीने का टाइम ये लोग देते हैं कि आप अपने फॉर्म प्रॉपर क्या करिए, प्रॉपर सबमिट कर दीजिए, है ना। चलो भाई इसके बाद में क्या है, एडमिट कार्ड कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है। फिर एंट्रेंस टेस्ट अब हर का अलग अलग होता है, जैसे देखो CHS एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्लास 6 के लिए सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा, एग्जाम डेट ऑफ 9th के लिए क्या होगा, 9th के लिए थर्ड वीक ऑफ जून है और 11th के लिए ये भी थर्ड वीक ऑफ जून है। क्लियर है बात, मतलब आपको ये है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं CHS के लिए तो आप यकीन मानिए कि जून के अंत तक आपका एग्जाम होकर के सब फाइनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनको जुलाई से सेशन स्टार्ट करना है। क्लियर है बात, आगे समझो, एग्जाम डेट फॉर क्लास 12 बायोलॉजी ये भी जून में हो जाएगा, एग्जाम डेट फॉर मैथ ये भी जून में हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या करते हैं, आंसर की निकालते हैं। अगर आपका एग्जाम जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हुआ है तो ये आंसर की आपको जून के लास्ट वीक तक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और आपका रिजल्ट जुलाई तक में यानी 15th ऑफ जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता है और लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस कहते हैं। वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इफ यू आर इन मेरिट लिस्ट देन यू कैन गेट द एडमिशन, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बेटा ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन CHS के बारे में। अगर आप CHS के बारे में प्लान कर रहे हो, मैं तो कहूंगा कि हर वो बच्चा जो 5th से 6th में जा रहा है या 8th से 9th में जा रहा है या 10th से 11th में जा रहा है, उसको CHS के बारे में जरूर समझना चाहिए, उसका एग्जाम जरूर देना चाहिए विथ प्रिपरेशन, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इन सेक्शंस में एडमिशन आप पढ़ रहे हैं और CHS के बारे में प्लान कर रहे हैं तो जून में आपका एग्जाम होगा और आपका मार्च चल रहा है तो अप्रैल मई 2 महीने हैं, आपके सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये भी हमेशा याद रखिएगा, आपके सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लेवल कई गुना ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि आप में जो बेहतरीन होगा उनको वो निकालना है, तो आप भी बेहतरीन बनिए। कैसे बन सकते हैं सर, आसान है, आप अपने सिलेबस को पढ़िए और उसी सिलेबस में से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सॉल्व करिए। नहीं आपसे हो रहा है, आप टीचर्स की मदद लीजिए, आप हमारी मदद लीजिए, हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरीज करिए कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है या मुझे इसका आप जो है पेपर प्रोवाइड कराइए कहीं से प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग वो चीजें देखेंगे, पर बेटा करना आपको है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको अच्छा और बुरा बता सकते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट है, आप ये करके अच्छा कर सकते हो, बट अल्टीमेटली करना आपको है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है, हम केवल मदद कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का केवल और केवल एक उद्देश्य था कि हमसे जुड़े जो बच्चे हैं वो इसके बारे में सोचें और सोचें ही नहीं, इसके बारे में प्रयास करें और प्रयास करके रिजल्ट लाएं और अच्छे जगह एडमिशन लें, क्योंकि बेटा अच्छे कैंपस से पढ़ने का जो फायदा है वो आपको जब कैंपस से पढ़ के आप निकलते हैं और बाहर आपसे पूछा जाता है कि आपने 12th कहाँ से किया है या आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ से एडमिशन लिया था, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं,
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट के साथ में बेहतरीन इंफॉर्मेशन अगर कोई देता है तो वो हम ही देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। CHS के बारे में एक बार सीरियसली सोचिएगा, सोचिएगा ही नहीं, प्रयास करके उसमें एडमिशन लीजिएगा। बेस्ट विशेस के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।